नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास टेंथ का मैं डॉक्टर के सी सिन्हा, वो एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 41 तक सॉल्यूशन कर लिया था। तो चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 42 में टोटल सिक्स प्रश्न है। तो टोटल सिक्स प्रश्न का सोल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 42 में हमारा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित का मान बताएं, जिसमें से टोटल सिक्स प्रश्न है। इस प्रश्न का सोल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। तो देखिए, और इसके पहले अगर जो वीडियो नहीं देखे तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में, नहीं तो अपने हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रिगोमेट्री से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे लगातार क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 42 का फर्स्ट में बोल रहा है, cos a * sin b + sin a * cos b का मान ज्ञात करना है। यदि sin a बराबर 4/5 और cos b बराबर 12/13 मतलब दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे cos a बराबर, देखिए यहाँ पे cos a का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए sin a का वैल्यू दिया है, cos a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो a वाला a से ज्ञात करेंगे और b वाला b से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे a के लिए लिख लेंगे, लिखेंगे a के लिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, sin a बराबर हमारा दिया हुआ है क्या, sin a बराबर दिया हुआ है 4/5। तो cos a का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे cos b का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos sin b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे b के लिए, क्या b के लिए, ताकि हम भूले नहीं कि किसका मान निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख कर पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले sin a का वैल्यू, sin a के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये cos a का वैल्यू, साइन ए की मदद से कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पी बटा एच फॉर्मूला होता है, तो पी बटा एच बराबर हो जाएगा क्या, 4/5। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 4, और एच का वैल्यू निकल जाएगा 5। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से बी बराबर निकालेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस बी, पी का वैल्यू 4, 4 को कितना हो गया 16। यहाँ से b बराबर आ जाएगा रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 3, क्या निकलेगा 3। अब देखिए, यहाँ पे साइन a का वैल्यू ये तो दिया हुआ था, अब हमको निकालना था cos a का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे cos a का भी वैल्यू तो दिया हुआ है। तो cos a का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो cos a बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos a बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तो b का वैल्यू तो यहाँ पे 3 निकला अभी जस्ट, और h का वैल्यू तो वही रह जाएगा 5। तो यहाँ पे cos a का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे cos b का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन sin b का वैल्यू निकालना है। तो cos b का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, b बटा एच होता है। तो बी बटा एच बराबर हो जाएगा 12 है ना ऊपर में, 12/13, यानी कि बी बराबर यहाँ पे 12 और एच बराबर यहाँ पे 13। तो पी का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो पी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो पी बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर, एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, और माइनस बी का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो गया हमारा बी बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 25, यानी कि पी का वैल्यू भी हमारा आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ से कॉस बी का था, तो बी के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर फॉर्मूला होगा, यानी कि थीटा के जगह पर बी है, तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा ना, पी बट्टा एच ही होगा। तो पी बट्टा एच, तो पी का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, और एच का वैल्यू तो हमारा 13 ही दिया हुआ था, तो ये निकल गया। अब हमको इसको सोल्यूशन करके लाना है मान। तो कॉस ए का, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है ना, कॉस ए बराबर 3/5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3/5, और गुना यहाँ पे साइन बी, तो साइन बी का भी वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाल लिया है, तो क्या निकाले 5/13, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5/13। अब ये प्लस है तो प्लस देंगे, अब साइन ए का वैल्यू हमारा दिया होता है 4/5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5, यहाँ पे इंटू है तो गुना। कॉस बी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ था 12/13, तो हो जाएगा 12/13। अब देखिए, इसको ऊपर वाला ऊपर से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, और बट्टा में 13 × 5 = 65, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 = 48, कितना हो जाएगा 48, और 13 × 5 कितना हो गया 65। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 65 आएगा एलसीएम, भाग देंगे 1 में 15 से गुना होगा 15, प्लस यहाँ भाग देंगे 1, 1 में 48 से गुना होगा 48, यहाँ पे जोड़ देंगे 8 + 13 = 3 × 1 = 1, और 4 × 1 = 5 = 6, यानी कि 63 कितना गया, 63 बता कितना गया 65। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे एक कैश दिया 63 कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं ये नहीं कटेगा। तो 63 65 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 का। दो बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है, जबकि टेन ए बराबर रूट 3 दिया हुआ है और साइन बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो ए के लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ए के लिए क्या क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, भूलेंगे नहीं इसलिए हम सबसे पहले लिख लिए हैं। ए के लिए तो ए के लिए यहाँ पे टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है, √3। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है, यानी कि पी बाई बी बराबर √3 हो गया, यानी कि यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है √3 और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच बराबर हमारा हो जाएगा क्या, √PS2 + BS2, यानी कि PS2 + BS2। एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, देखिए पी का वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 और +1 का स्क्वायर 1। तो एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए 3 और 1 4, और 4 रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ए के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं ना। तो ए यहाँ का क्या क्या है, साइन ए, तो सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा, तो P/H हो जाएगा। अब P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना √3, तो √3 हो गया। H का वैल्यू अभी निकाले 2। अब यहाँ पे A के लिए और क्या है, cos A, तो cos A का भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो cos A बराबर हो जाता है B/H, B/H, तो B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 1 और H का वैल्यू 2, तो दोनों का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे B के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, B के लिए तो B के लिए क्या क्या निकालना है, cos B का वैल्यू ज्ञात करना है और sin B का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो cos B का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे sin B बराबर दिया हुआ है, यानी कि P/H बराबर 1/2, तो P का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और H का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे। तो B बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, √H² और -P²। तो B बराबर यहाँ पे हो जाएगा √H² कितना है, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि B बराबर हमारा आ जाएगा √3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए B के लिए क्या था, cos B का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे cos B का वैल्यू निकाल लेंगे। cos B बराबर क्या हो जाएगा, B/H होता है, तो B का वैल्यू यहाँ पे आ गया है √3 और H का वैल्यू यहाँ पे कितना था, H का वैल्यू 2 था। तो ये आ गया हमारा। अब जो जो मान यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है उसको रख लेंगे मान। साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे निकाले है ना √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब ये इंटू है तो गुना कर देंगे। कॉस बी का वैल्यू, तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए हैं, देखिए यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा क्या, √3/2। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब कॉस ए, तो कॉस ए का भी वैल्यू निकालनी है 1/2, तो 1/2 हो गया गुना। अब देखिए साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना हमारा, ये देखिए साइन बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए फटाफट, देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे मैं यहाँ √3 गुना √3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो बचेगा 3 ही ना, यानी कि √3 में √3 से गुना होता है तो 3 होता है। अब देखिए यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस यहाँ पे 1 और 2 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 4 आ जाएगा एलसीएम, भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना होगा तो 3, माइनस यहाँ भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना होगा 1, यानी कि देखिए यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 2/4। यहाँ पे 2 दूना 4 कट गया, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का 3। 42 का 3 में पूछ रहा है साइन ए का मान और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है, यदि टेन ए बराबर इतना दिया हुआ है और टेन बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए के लिए ज्ञात करते हैं क्या क्या हमारा मान पूछ रहा है, तो लिख लेंगे ए के लिए। तो ए के लिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं टेन ए बराबर दिया हुआ है क्या, टेन बराबर होता है P/B बराबर हमारा दिया है 1/√3, यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया और बी का वैल्यू यहाँ पे √3 हो गया। एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बराबर हमारा फॉर्मूला होता है √PS² + BS² PS² + BS², तो एच बराबर हो जाएगा पी का वैल्यू यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा √4, तो एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एच का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ए के लिए क्या क्या है, साइन ए और कॉस ए,
तो साइन ए का सबसे पहले वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है, और एच का वैल्यू अभी निकाले दो। अब ए के लिए और क्या था, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच हो गया। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे है रूट अंडर थ्री, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, थ्री, और एच का वैल्यू दो, तो ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है बी के लिए, यहाँ पे निकालना है बी के लिए, तो बी के लिए यहाँ पे निकालते हैं। बी के लिए क्या है, टेन बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, और बराबर होगा रूट अंडर थ्री, बट्टा में कुछ नहीं तो वन है, पी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर थ्री और बी का वैल्यू यहाँ पे वन। तो यहाँ से एच का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका आएगा दो, ठीक है ना। एच का वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप निकाल भी सकते हैं, एच का वैल्यू यहाँ पे दो आ जाएगा। तो यहाँ पे बी के लिए क्या क्या पूछ रहा था, तो कॉस बी का वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी, कॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है, बी बाई एच, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन, और एच का वैल्यू यहाँ पे दो हो जाएगा। अब और क्या था, साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन बी बराबर हो जाएगा पी बटा एच। तो इसमें देखिए पी का वैल्यू कितना है रूट अंडर थ्री, तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा, एच का वैल्यू दो हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर लेते हैं, साइन ए का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं ना वन बट्टा दो, तो हो जाएगा वन बट्टा दो गुना कॉस बी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं ना, कॉस बी का वैल्यू वन बट्टा दो, तो वन बट्टा दो निकाले प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू देखिए इसमें निकाले हैं रूट अंडर थ्री बट्टा दो, रूट अंडर थ्री बट्टा का दो। अब गुना साइन बी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं रूट अंडर थ्री बट्टा दो, ये भी निकाले रूट अंडर थ्री बट्टा दो। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, वन में वन से गुना होगा तो वन, दो में दो से होगा तो चार, और प्लस यहाँ पे रूट थ्री में रूट थ्री से गुना होगा तो थ्री, और दो दूनी कितना हो जाएगा चार। अब ये देखिए एलसीएम लेंगे तो चार, तीन का जोड़ तो आता ही होगा वन प्लस थ्री, यानी कि यहाँ पे भी आ गया तीन और एक चार बट्टा का चार, काट देंगे वन मरतब, यानी कि आंसर आ गया हमारा वन। समझ में है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बयालीस का चार। क्वेश्चन नंबर 42 का चार में बोल रहा है टेन ए प्लस टेन बी का मान ज्ञात करना है, और बट्टम भी है वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए के लिए हल करते हैं, ए के लिए यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू यानी कि पी बट्टा एच बराबर हमारा दिया हुआ है, पी बट्टा एच बराबर हमारा दिया हुआ है वन बट्टा रूट अंडर दो, तो यहाँ से पी का वैल्यू हो जाएगा वन, और एच का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर दो। यहाँ से बी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, तो बी बराबर फॉर्मूला जानते हैं एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो बी बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर दो का स्क्वायर करेंगे तो दो आएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन, वन को रूट से बाहर निकालेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बी के लिए ए के लिए क्या क्या था, तो टेन ए, तो टेन ए का वैल्यू निकालेंगे तो टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर हो जाएगा पी बाई बी, तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पी का वैल्यू वन और बी का भी वैल्यू वन, यानी कि वन ही आएगा। अब और क्या था, ए के लिए क्या था, इतना ही था, टेन ही, टेन ए का ही सिर्फ मान ज्ञात करना। अब कॉस बी, तो यहाँ पे बी के लिए ज्ञात करेंगे, बी के लिए यहाँ पे कॉस बी का बी बटा एच, तो बी का बी बटा एच यानी कि रूट थ्री बटा दो, यहां से हो जाएगा बी बराबर कितना रूट अंडर थ्री, और एच का वैल्यू यहाँ पे दो, तो यहाँ से पी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर, तो दो दोनों कितना हो जाएगा चार, और माइनस थ्री, यानी कि पी का यहाँ से ये वैल्यू हमारा वन ही आएगा। तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या निकालना था, टेन बी का वैल्यू ज्ञात करना था, यहाँ पे हो जाएगा टेन बी बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, तो पी बाई बी बराबर हो जाएगा पी का वैल्यू वन और बी का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर थ्री। तो ये हो गया हमारा, अब हमको इसको में सोल्यूशन करना है। तो देखिए टेन ए, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है, टेन ए का तो मान ज्ञात कर रहे हैं वन होगा, तो वन होगा ऊपर में, सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दो, ऊपर में वन होगा वन प्लस टेन बी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं तो क्या आएगा वन बटा रूट अंडर थ्री, पी बाई बी ही ना होता है, तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन, और बी का वैल्यू रूट अंडर थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बटा रूट अंडर थ्री, ये हो गया, और बट्टा यहाँ पे वन है तो वन माइनस, अब देखिए टेन ए का वैल्यू कितना है तो वन, और गुना टेन बी का वैल्यू वन बट्टा रूट अंडर थ्री, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हल कीजिए, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा,
तो यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बटम तो वन है ना, भागा देंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर थ्री में वन से गुना होगा तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे वन हो जाएगा, ये बट्टा। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, वन में वन से गुना करेंगे तो वन बटा रूट अंडर थ्री, यानी कि यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा रूट अंडर थ्री और माइनस का कितना हो जाएगा वन। अब ये देखिए रूट अंडर थ्री से रूट अंडर थ्री कट जाएगा क्योंकि नीचे वाला नीचे से कट जाता है, अब यहाँ पे बचा ऊपर में रूट अंडर थ्री माइनस का वन और नीचे में बच गया है सॉरी प्लस का वन और नीचे में बच गया रूट अंडर थ्री और माइनस का वन। ये हमारा हो गया आंसर, कितना तक कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 42 का चार तक हम लोग कर लिए। तो चलिए आगे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का पांच, ठीक है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का पांच में हमारा है sec a into tan a प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो इसका मान ज्ञात करना और टेन ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान ही है, सिर्फ ए के लिए पूछा है सारा में, तो ए के लिए ही हल करते हैं। तो टेन ए बराबर दिया हुआ है पी बाई बी, तो पी बाई बी बराबर दिया हुआ है दो, यानी कि बटम कुछ नहीं तो वन, तो पी का वैल्यू यहाँ पे दो और बी का वैल्यू यहाँ पे वन। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बराबर तो फॉर्मूला ही जानते हैं हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू यहाँ पे दो, दो दोनों कितना हो जाएगा चार और माइनस बी का वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे आ जाएगा एच बराबर कितना रूट अंडर थ्री आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच का भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा निकालना था क्या सेक ए, तो यहाँ पे फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट करते चलेंगे। डायरेक्ट देखिए सेक ए का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच होता है, क्या होता है सॉरी एच बाई बी होता है, एच बाई बी इंटू टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर ए है ना, तो टेन का तो फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी होगा, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कोसेक ए, तो कोसेक ए का होता है एच बाई पी, एच बाई पी। अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, एच का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर थ्री, तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा और बट्टा बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन है तो वन हो जाएगा गुना, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो दो हो जाएगा, बी का वैल्यू वन है तो वन हो जाएगा प्लस पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है दो तो दो हो जाएगा और बट्टा बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन तो वन हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रहेगा माइनस एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर थ्री तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा बट्टा पी है हाँ पी का वैल्यू कितना है तो दो हो जाएगा रूट अंडर थ्री और बट्टा का वन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, दो में रूट थ्री से गुना होगा तो दो रूट तीन हो जाएगा, बट्टा में लिख भी सकते हैं चलिए लिख देते हैं प्लस। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो दो का कितना हो जाएगा स्क्वायर चार है ना, और वन का स्क्वायर तो वन ही होगा माइनस रूट अंडर थ्री बट्टा का दो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे दो आएगा, तो यहाँ पे दो में दो से गुना होगा दो दूनी चार रूट तीन हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा चार दूनी आठ और माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर थ्री, तो यहाँ पे घटा देंगे तो आ जाएगा कितना देखिए चार रूट है और एक रूट है रूट अंडर थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री रूट थ्री और प्लस का आठ और बट्टा का दो, ठीक है इतना आया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ गए, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे किए, बिल्कुल आसान था ये तो एक के लिए सिर्फ था और सारा भाई लोग एक का ही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का सिक्स, 42 का सिक्स में भी देखिए हमारा ए के लिए ही पूछा है और ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले ए के लिए वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो कोसेक ए बराबर दिया हुआ है, तो कोसेक ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच बाई पी, तो एच बाई पी बराबर हो जाएगा दो, यानी कि बट्टा में भी कुछ नहीं तो वन है, एच का वैल्यू यहाँ पे दो दिया हुआ है और पी का वैल्यू यहाँ पे वन दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का वैल्यू यहाँ पे दो, दो दूने कितना हो जाएगा चार और माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर थ्री, तो यहाँ पे सारा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान को रखते चलते हैं और इसको बनाते चलते हैं, तो वन बट्टा हो जाएगा टेन a, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी हो जाएगा प्लस यहाँ पे प्लस साइन साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच हो गया और बट्टा में यहाँ पे है तो बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा क्या वन वन हो जाएगा प्लस कॉस का होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो वन का वन ही होगा और बट्टा देखिए पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो पी का वैल्यू वन है तो वन हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना है रूट अंडर थ्री, तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा प्लस। अब देखिए ऊपर में पी है तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन, तो वन हो जाएगा और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू दो है तो दो हो जाएगा और ये इसका बट्टा वाला, अब यहाँ पे वन है तो वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है रूट अंडर थ्री, तो रूट अंडर थ्री और बट्टा का एच कितना है दो। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए
यहाँ पे बट्टा में थी, इसको गुना में चेंज करने तो सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट अंडर थ्री बट्टा वन हो जाएगा, ठीक है ना, रूट अंडर थ्री बट्टा वन हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पे ये नहीं करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज, इरेजर, हाँ ठीक है, ये इरेज हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये ऊपर में ना, ये बट्टा नीचे, तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, सही से लिखते हैं ताकि हमका हमारा सॉल्यूशन अच्छा से हो, कोई भी मिस्टेक ना हो थोड़ा सा भी। प्लस देखिए पी बटा एच ऊपर है ना, तो ऊपर में लिखेंगे पी बटा एच, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हमारा वन, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू दो, तो यहाँ पे वन बट्टा दो ये ऊपर हो जाएगा, बट्टा हमारा यहाँ पे ना, तो बट्टा ये रहेगा वन है तो वन रहेगा। प्लस बी बट्टा एच, तो बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर थ्री, और एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू हमारा यहाँ पे दो है, ये हो गया। अब नीचे वाला का सबसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, ये हमारा रहेगा ही वैसा ही, छोड़ दो वन है और बट्टा में क्या है वन, और बट्टा का रूट अंडर थ्री, ये तो ऐसा ही छोड़ दो, ये मेन बट्टा ये ना, तो मेन बट्टा ये यहाँ प्लस दो, और इसको ऊपर में भी रहने दो, वन बट्टा दो रहने दो, अभी वन बट्टा दो रहने दो, ये मेन बट्टा है ना, तो मेन बट्टा रहने दो। अब यहाँ पे एलसीएम लो, अब एलसीएम लेंगे तो दो आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दो और प्लस का रूट अंडर थ्री हो जाएगा। अब इसको गुना में चेंज करो, ठीक है ना, अब इसको गुना में चेंज करो, तो यहाँ पे वन बट्टा वन हो जाएगा, गुना रूट अंडर कितना हो जाएगा, थ्री बट्टा वन, अब ये प्लस हो जाएगा, अब इसको ऊपर चला जाएगा तो वन बट्टा दो हो जाएगा, और गुना का दो बट्टा कितना हो जाएगा, दो प्लस का रूट अंडर थ्री, क्योंकि यहाँ पे गुना में भाग में जो रहता है बट्टा में, उसको गुना में चेंज करते तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस का बट्टा का वन, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो और बट्टा, अब ये गुना कर देंगे, दो दूनी कितना हो जाएगा चार, और प्लस में दो रूट का थ्री, दो रूट थ्री। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका चार प्लस दो रूट थ्री, भागा देंगे वन, तो इसको में गुना कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका चार रूट तीन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, दो, दो तो आएगा दो, और रूट में रूट, रूट तीन में रूट तीन से गुना करता है तीन, यानी कि दो तिहाई छ आ जाएगा, छ, और प्लस का यहाँ सिर्फ हो जाएगा ऊपर में दो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा चार रूट थ्री, और प्लस का आठ, और बट्टा का हो जाएगा चार, और प्लस का रूट दो और थ्री, यहाँ पे कॉमन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कट रहा, दो ऊपर में कॉमन कर लो, तो दो ऊपर में कॉमन कर लेंगे, और दो नीचे में कॉमन कर लो, दो ऊपर में कॉमन कर लो, तो आ जाएगा आपका, दो कॉमन करते हैं तो आ जाएगा आपका रूट अंडर दो रूट थ्री, और प्लस का चार, नीचे में दो कॉमन करते हैं तो आ जाएगा आपका सिर्फ रूट अंडर थ्री और प्लस का दो, तो ये दो से दो कट गया, तो हमारा आंसर आएगा दो रूट थ्री प्लस का चार, और बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर थ्री और प्लस का दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। आप रूट अंडर आगे रहे तो चाहे पीछे रहे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ।